बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे तीन भिन्न लिखी हुई है, 1/2, 3/4, 5/6, इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो यह चीज़ तुलना करने से पता चलेगी। तो आइए आज हम सीखते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पे भिन्नों की तुलना करने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि भिन्न के जो हर हैं, जितने भी भिन्न दी हुई हैं, सबके हर एक बराबर पहले कर लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हर है 2, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6। तो इन सभी हर को ऐसा करें कि एक ही अंक नीचे, सबके एक ही अंक, हर एक ही अंक हो जाए। तो कोई ऐसा अंक चुनें जो कि इन सभी से, जिसमें भाग दिया जा सके, 2 से, 4 से और 6 से। तो ऐसा अंक ज्ञात करने के लिए या तो अपने हिसाब से इस तरह का अंक चुनें, या फिर जो है 2, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकाल लें। तो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे इस तरह से, 2, 4 और 6 पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 एक कम 2, और यहाँ पे 2 दुनी 4, 4 दो बार जाएगा, 2 तिहाई 6। फिर दोबारा फिर जो है 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 1 का तो 1 ही होगा, और 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पे चूँकि 3 बचा है और बाकी तो जो है 1-1 हुआ है, तो 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और 3 एक कम 3। तो लघुत्तम समापवर्त अब निकलेगा इस तरह से, यहाँ पे 2 है, 2 है, 3 है, तो 2×2×3, तो गुणा करेंगे, 2×2=4, 4×3=12, यानी इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आया 12। तो यहाँ पे देखिए, अब इन संख्याओं में, इन भिन्नों के हर में इस ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हर जो है वह 12 हो जाए। तो पहली संख्या है 1/2, तो 2 की जगह पे 12 आना चाहिए। तो यदि हम 6 से गुणा करें तो 6 दुनी 12, नीचे 12 आ जाएगा। लेकिन नियम यह है कि जब किसी भिन्न में जिस संख्या से हर में गुणा करते हैं, उसी संख्या से अंश में भी गुणा करना पड़ता है, यानी ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करना जरूरी है। तो यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, 6 दुनी 12, तो 6 से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो 6 कम 6 आया, और 6 दुनी 12, तो हो गया इसका 6/12। अब दूसरी भिन्न है 3/4, तो 4 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 4×3=12 होता है। तो 3 का गुणा करेंगे तो इसमें 12 हो जाएगा। तो 3 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा और ऊपर भी, यानी अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ पर देखिए, 3/4 में 3 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा किया गया है, तो 3×3=9 और 3×4=12, यानी कि 9/12 भिन्न हो गई। तो अगली जो भिन्न है 5/6, इसमें भी नीचे 12 आना चाहिए। तो 6 में ऐसे अंक का गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 6×2=12, यानी 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऊपर अंश और नीचे हर दोनों में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5/6 में 2 का गुणा करते हैं, 5×2=10 और 6×2=12, तो यहाँ 10/12 भिन्न आ गई। अब इन तीनों भिन्न में हर जो है वह एक समान है, 12 है, यहाँ भी और इसमें भी। तो यहाँ पर जो है सभी भिन्न को लिख लेते हैं, 6/12, 9/12, 10/12। अब यह सवाल यदि पूछा जाए कि कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है, तो जिसका अंश अब सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ 10/12 सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ 6/12 जो है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था कि 1/2, 3/4 और 5/6 में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो 1/2 का ही जो है 6/12 बना था, 3/4 का 9/12 हुआ था, और 5/6 का 10/12।
तो 10/12 सबसे बड़ी भिन्न है, यानी कि इसमें 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है और 6/12 सबसे छोटी भिन्न है, तो यहाँ पे 1/2 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस तरह से दी हुई भिन्नों की तुलना करते हैं और तुलना करके यह पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है।